हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वीटी। वेलकम टू स्वीटी रियल लाइफ। चना की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं एक कप चना को रात को पानी में डाल दी थी और ये फूल गए हैं। उसके बाद अच्छे से धो ली हूँ मैं। आप 4 घंटा पहले भी डाल सकते हैं, 4 घंटे में भी चने फूल जाते हैं। उसके बाद मैं 2 प्याज बड़े साइज काट ली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, तेजपत्ता और जीरा और 1 इलायची और यहाँ पर 1 टमाटर को मैं ग्राइंड कर ली हूँ। ये देखिए, टमाटर में मसाले मिला लेते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है क्योंकि मैं हरी मिर्च 4 डाली हूँ। आप हरी मिर्च स्किप करके मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसी में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, तो मैं 1 चम्मच ली हूँ। मसाले को मिला लेंगे टमाटर में ही। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रखेंगे कुकर। जब कुकर गर्म हो जाएगा उसके बाद डालेंगे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे हरी मिर्च, तेजपत्ता और जीरा। इसे चटकने देंगे। जब ये चटक जाएगा उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे मिला लेंगे। गैस को मीडियम रखना है। उसके बाद डाल देंगे हम प्याज, इसे ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसी में डाल देंगे टमाटर और मसाले जो रखे थे घोल के, वो इसी में डाल देंगे थोड़ा पानी। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे और मसाले को अच्छे से हमें भूनना है। गैस को मीडियम रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले भून गए हैं, मसाले से ऑयल अलग होने लगा है। अब इसी में हम डाल देंगे चना, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिला लिए हैं, इसमें हम डालेंगे पानी। ये मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी में डाल देंगे थोड़ा कस्तूरी मेथी, इसको भी मिला लेंगे। कुकर को बंद करके हमें सीटी तक लगाना है। इसमें गैस को करेंगे मीडियम और 3 से 4 सीटी इसमें लगाएंगे। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कुकर में से गैस निकल गया है, चलिए देख लेते हैं कुकर खोल के। ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी हुई है। ये देखिए, अब इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी हुई है। आप इसे रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।